जब भी कुछ मीठा खाने का मन करता है तो मैं इस बेसन की रेसिपी को ज़रूर से बनाती हूँ और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से बना कर देखिए, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच घी ले लिया है और यहाँ पर हम 1/2 कटोरी बेसन ऐड कर देंगे। ये बेसन मैंने छान कर लिया है, तो आप इस बेसन को अच्छे से छान लें और यहाँ पर अब हम इसे कंटिन्यू चलाएंगे। तो लो फ्लेम पर आप इस बेसन को चलाते रहिए। तो यहाँ पर घी कम रह गया था तो मैंने 2 चम्मच घी और ऐड किया था और वीडियो में शूट नहीं हो पाया, उसके लिए सॉरी। और देखिए ये बेसन का कलर कुछ इस तरीके से हो गया है। अभी ये थोड़ा कच्चा है, हम इसे थोड़ा सा गोल्डन कलर आने तक भूनेंगे और यहाँ पर स्टेज पर थोड़ी सी इलायची भी डाल दें। तो टोटल मुझे 5 मिनट लगी है इस बेसन को रोस्ट करने में और इसका कलर देखिए आप कितना अच्छा आया। अब गैस का फ्लेम बंद कर दे और आप इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने दे। अब देखिए बेसन अच्छे से ठंडा हो गया है, अब हम इसमें बूरा ऐड करेंगे। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें मीठा डाल दें। इसे अच्छे से मिला लें और बेसन के लड्डू बना लें। बहुत ही टेस्टी झटपट बनने वाली रेसिपी है। कमेंट करके ज़रूर बताना लड्डू आपके कैसे बने।